गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आज एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो मुझे रिक्वेस्ट करी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जो मेरे सब्सक्राइबर से पहले मेरा दोस्त है, उसका नाम राजा सेन है। तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रिएक्शन वीडियो बना रहा है वो। ये उसका यूट्यूब अकाउंट है। और तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत गुड लुकिंग हैंडसम हूँ, बट मुझे बालों पर मुझे काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो बना सकता हूँ और सारी चीज़ें कवर कर सकता हूँ कि मैं अपने बालों के लिए क्या करता हूँ और आप अपने बालों के लिए क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 5 टिप्स फॉर बेटर हेयर। सो टिप नंबर 1 इज दैट यू गोना डिसाइड योर हेयर स्टाइल। यस, आपका बार्बर नहीं है, आपकी मोम नहीं है, या फिर आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, यहाँ तक कि आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं, सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबके ऊपर ही मेरे जैसा हेयर स्टाइल सूट करे या फिर मेरे ऊपर कोई अलग हेयर स्टाइल सूट करे, बट आपको डिसाइड करना है कि आपके फेस के हिसाब से आपको कौन सा हेयर स्टाइल सूट करने वाला है। तो अपना हेयर स्टाइल चूज़ करने के बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपके ऊपर कलर बाल अच्छे लगेंगे या नहीं। वैसे मोस्टली ये सोच के ही हम रह जाते हैं कि कलर बाल अच्छे नहीं लगेंगे, बट ट्राई इट आउट देन सी अच्छे लगते हैं या नहीं। नहीं तो फिर से काले बाल करवा लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके लिए आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफकोर्स। तो ये थी पहली टिप, और बाकी दूसरी टिप देखने के लिए वीडियो देखते रहिए। हाँ गाइस, तो टिप नंबर 2 इज, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको ब्लॉन्ड हेयर करवाना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाओ, हेयर सैलून पे ही अपने बाल कलर करवाओ। क्योंकि अगर आप घर में खुद करते हो ब्लीच या फिर किसी जिस लोकल अपने नाई से करवाते हो, वो ठीक नहीं है, टेम्प्रेरी और अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो इसलिए थोड़े पैसे लगेंगे। बट प्लीज़ प्रॉपर हेयर स्टाइलिस्ट के पास ही जाओ और फिर वहाँ से अपने बाल कलर करवाओ और डिसाइड करो कि आप कितने बाल हेयर कलर करवाने हैं आपको। ये अगर आपका अंडर कट है तो आप ये पार्ट भी अपने कलर करवा सकते हो, मेरी तरह छुड़वाने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि मैं ये फ्रीक्वेंटली ट्रिम करता रहता हूँ और काफ़ी लोग करते रहते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ अपने टॉप पार्ट हेयर कलर करवाए, और आप अपने रूट्स भी अपना छुड़वा सकते हो, बट मैं इस टाइम पे पूरे गया हूँ। अगर आप मेरी पिछली वीडियो में देखोगे तो मेरा कलर डिफरेंटली पूरा अलग है और मैंने रूट्स अपने छुड़वाए हुए थे। बट सो जैसे कि मैंने कहा, सब आपको ही डिसाइड करना है, आपके बाल हैं, कोई और आपको डिसाइड नहीं करेगा। तो ये थी टिप नंबर 2। सो अब आपके ब्लॉन्ड बाल भी हो गए, सो टिप नंबर 3 इज़ दैट आपको क्या यूज़ करना है। तो ये शैम्पू बहुत ही बढ़िया है, जिनके भी ब्लॉन्ड बाल है, इसको मैं आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ। तो ये स्पज प्रोफेशनल क्लीन ब्लॉन्ड वॉयलेट टोनिंग शैम्पू। तो ये क्या करता है, ये पर्पल शैम्पू है जो आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है, खासकर सिर्फ ब्लॉन्ड बालों के लिए ही है ये बना हुआ है, और ये मेरे बालों के लिए बिकॉज मैंने अभी एश सिल्वर करवाया, तो ये वॉयलेट टोनिंग शैम्पू है। तो ये इसको आप लगाना है 5 मिनट तक, हफ्ते में मैं इसको रिकमेंड करूँगा ये कि 2 बार यूज़ करो, 5 मिनट तक लगाओ, और फिर उसके बाद रिंस वेल एंड देन उसके बाद आप अपना कंडीशनर या फिर आप जो भी सिर्फ नॉर्मली भी अपने बाल धो सकते हो या फिर कंडीशनर से अपने इसको अच्छे से अपना फिनिश कर सकते हो। तो इसके रिकमेंडेशन तो यही है कि 1 या 2 बार करो, बट अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो आप हर दिन भी यूज़ कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। सो टिप नंबर 4 इज ड्राइंग। तो हम इसको साइड में रखते हैं और इसको लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप नहा के निकलते हो तो आपके बाल पूरे गीले, जब हमारे बाल ब्लॉन्ड होते हैं तो हमें उनसे थोड़े ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो खासकर मैं ड्राइंग की बात करूँगा तो ब्लो ड्राइंग जो है वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, और उसको आपको अगर ठीक से नहीं करना आता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसको यूज़ मत करो। प्रॉपर जो हेयर स्टाइल्स होते हैं उनको पता है कि कैसे हमें ब्लो ड्राइंग यूज़ करना है, बहुत ही गर्म उससे हवा निकलती है जो आपके बालों को डैमेज कर सकती है। तो मेक श्योर अगर आपको यूज़ करना है तो आप पहले उसको अच्छे से सीख लो करने से पहले, बिकॉज आपके बालों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। और अगर आपको इससे भी अपने टावल से अपने अगर बाल ड्राई करने हैं तो वैसे तो जैसे जगह हम करते हैं वो मत करो, सिर्फ इस तरीके से अपने बाल ड्राई करो नॉर्मली, वो काफ़ी अब यूजफुल टिप है। तो प्लीज़ आई गाइस, टिप नंबर 5 इज दैट मेक श्योर यू ईट गुड फूड एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, नो स्मोकिंग। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये टिप बताने के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज ये सबको पता होता है, अगर आपको पता नहीं है तो फिर समथिंग इज रॉन्ग विद योर लाइफ। तो अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो आपको ये आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, 8 घंटे की स्लीप बहुत कम लगती है, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो 24 घंटे दिन में होते हैं और आप 1/3 हम उसमें सो रहे हैं,
तो 100 लाइक हम सोने में बिता रहे हैं तो आपको ज़्यादा लग रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आप करो तो आपके बालों को नहीं, ओवरऑल हेल्थ को आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी टिप नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो आप चलते हैं बोनस टिप की तरफ। हाय गाइस, तो बोनस टिप यही है कि अगर आप शैम्पू करते हो तो कुछ ज़्यादा शैम्पू मत करो, हफ्ते में 2 या 3 बार ही करो, और अपने बालों को अच्छे से सुखाओ जैसे मैंने बताया। और अपने अगर आप हेयर जेल और या फिर हेयर स्प्रे यूज़ करते हो तो अपने रूट पर मत जाओ, क्योंकि वो बालों को काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो मेक श्योर यू कवर योर आईज एंड जस्ट गो ऑन टॉप एंड देन स्टाइल योर हेयर। और अपने बालों को कॉम ज़रूर करो, क्योंकि कॉम करने से हमारे बालों काफ़ी स्ट्रेट होते हैं और हमारे रूट को ही मसाज मिलती है। तो ये थी बोनस टिप्स गाइस, सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और प्लीज़ मैं आप ही का भाई हूँ तो अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनके भी बाल अच्छे करवाइए। और अगर आपको मेरे बाल रियली अच्छे लगे हो तो आप मेरी और फोटो देख सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं काफ़ी अपने हेयर स्टाइल चेंज करता रहता हूँ और अपने हेयर कलर भी चेंज करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ये वाला मेरा अपना हैंडल डाल था यहाँ पर, तो आप प्लीज़ उसको जाके फॉलो कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस, टिप नंबर टू इज दैट and I can't stop dancing with fire, dancing with fire. It's a sick dream.